30 नवंबर 2022 ओपन एआई लॉन्च करती है चैट जीपीटी, एक ऐसा चैटबॉट जो हर एक सवाल का सही जवाब दे सकता था। जहां ट्विटर को 2 साल लगे थे 1 मिलियन यूजर टच करने में और फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, पर चैट जीपीटी को लगता है केवल 5 दिन। यहां तक कि इंस्टाग्राम को भी 2.5 महीने लग गए थे 1 मिलियन यूजर टच करने में, पर 2.5 महीने में तो चैट जीपीटी के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर हो गए थे। क्या आपको ये सब देख कैसा लगता है कि एआई आजकल की टेक्नोलॉजी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए बताता हूँ मुझे क्यों ऐसा नहीं लगता। ये टेक्नोलॉजी तो World War II के टाइम की है, जब सारी कंट्री लगी हुई थी न्यू टेक्नोलॉजी को वार में यूज़ करने में। एआई की सबसे पहले बात हुई थी ईयर 1943 में, जब वारेन मैकॉलन और वाल्टर पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क की बात पहली बार की थी। इन्होंने बताया था कि जैसे ह्यूमन ब्रेन्स की न्यूरॉन काम करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन काम करेंगे जो मशीन में यूज़ किया जा सकता है। मतलब उस टाइम पे ये बात हो रही थी कि मशीन को दिमाग कैसे दे। फिर आता ईयर 1950, जहाँ एंट्री होती है एलन ट्यूरिंग की, जिन्होंने इस टॉपिक में एक पेपर पब्लिश की, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने बताया क्या मशीन सोच सकते हैं जैसे ह्यूमन सोच सकते हैं। अगर हाँ मशीन सोच सकते हैं तो किस हद तक वो सोच सकते हैं, उनकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। इन सब का पता लगाने के लिए ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया जो कि एक 3-प्लेयर गेम था, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को इम्पॉसिबल माना जाता था क्योंकि 60 साल तक इस टेस्ट को कोई भी मशीन पास नहीं कर पाई थी। इस टेस्ट को 2014 में यूजिन गुस्टमैन एक चैटबॉट ने पहली बार पास किया था। ट्यूरिंग के पेपर पब्लिश करने के 2 साल बाद ही आर्थर सिम्योल ने चेकरबोर्ड गेम का प्रोग्राम बनाया था, जो कि करेंट पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता था कि वो हार जाएगा या उसकी जीत होगी। उस टाइम पर प्रोग्राम ने गेम में इंसानों को भी हरा दिया था, पर जब मास्टर प्लेयर से कंपटीशन कराई गई तब वो प्रोग्राम हार गया। इसके बाद एआई के पोटेंशियल को देखते हुए ईयर 1955 में जॉन मैकार्थी ने अपने कलीग मार्विन मिंस्की, नथानियल रचेस्टर, डॉक्टर क्लाउड शैनन के साथ मिलकर 8 हफ्ते का वर्कशॉप करने का सोचा। इस वर्कशॉप में एआई के पोटेंशियल और एआई के फ्यूचर में काम करने वाले थे। उन्होंने 47 लोगों को इनवाइट किया था। फिर ईयर 1956 में जाकर वर्ल्ड फर्स्ट वर्कशॉप ऑन एआई हुआ था, जिसे दार्थ माउंट वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें पूरे 47 लोग तो नहीं आए थे, पर उसमें से कुछ लोग आए थे। जो इस कॉन्फ्रेंस में आए थे वो सब लोग 2 डेकेड तक इस इंडस्ट्री में टॉप में थे। फिर ईयर 1958 में फ्रैंक रॉस ब्लैक ने कॉर्नेल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में न्यूरॉन नेटवर्क में एक रिसर्च किया, जिसे उन्होंने परसेप्ट्रॉन कहा। परसेप्ट्रॉन ईयर 1953 में वालेन मैकॉलन और वाल्टर पिट्स के थ्योरी का अपडेटेड वर्जन था, जिसमें रॉस ब्लैक ने बताया था कि न्यूरॉन नेटवर्क सिंगल लेयर में कैसे काम कर सकते हैं। परसेप्ट्रॉन में लो लेवल की इमेज रिकॉग्नाइज सिस्टम था, पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काम नहीं कर पाती थी। सेम ईयर में ही जॉन मैकार्थी, जिन्होंने डार्थ माउंट का कॉन्फ्रेंस लीड किया, उन्होंने एआई के लिए लिस्प नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था, जो कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज तक यूज़ किया जाता है। फिर आता है 1961, इस साल में वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रोबोट यूनिमेट लॉन्च हुआ था, जो कि जनरल मोटर्स ने डेवलप किया था। इसकी मेटल्स की आर्म होती थी जो कि वो सारे काम कर सकता था जो इंसान को करने में प्रॉब्लम आती थी, पर ये अपने से कुछ नहीं कर पाता था। इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होता था जिसका यूज़ करके इसको प्रोग्राम करते थे। यह 1966 में टुनाइट शो में इसको प्रेजेंट किया गया था, तब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसको उस शो में गल्फ बॉल को मारने बोला गया था, बियर को क्लास में डालने बोला गया था, और इसने वो सारे काम बिना कोई दिक्कत के आराम से कर लिया था। और इसके 1 साल पहले मतलब ईयर 1965 में जोसेफ बेंजामिन ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कि इनपुट लेकर नेचुरल लैंग्वेज में आउटपुट दे सकता था। इसका नेम एलाइजा था। इसका सबसे ज़्यादा फेमस स्क्रिप्ट साइकोथेरेपिस्ट वाला प्रोग्राम हुआ था, जो कि पेशेंट को इंकरेज करता था ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के लिए। जब ये सारी रिसर्च चल ही रही थी, तभी ईयर 1969 में मार्विन मिंस्की और सेमोर ने बताया कि जो सिंगल लेयर न्यूरॉन नेटवर्क है वो उतना कारगर नहीं है, और रॉस ब्लैक के द्वारा दिए गए एल्गोरिथम को भी क्रिटिसाइज किया। ये सब होने के 3 साल बाद ही ईयर 1972 में टेरी विनोक्रैट ने SHRTUL प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम था जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता था। इस प्रोग्राम में एक टेबल होता था जिसमें कुछ शेप रखे होते थे, इसे इनपुट देकर मैनिपुलेट किया जा सकता था।
जैसे अगर कोई बॉक्स उठाना होता था तो हमें सिंपली बोल देते थे कि पिक अप द बॉक्स। इसके दो साल बाद यार 1974 में टेड शॉर्ट लाइफ ने माइसिन नाम का चैटबॉट डेवलप कर लिया था। ये चैटबॉट फिजिशियन को हेल्प करती थी उनको डिसीजन लेने में। ये बताती थी कि कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इसको कभी कमर्शियल लॉन्च तो नहीं किया गया था, फिर भी इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया था। मतलब हाँ, हम कह सकते हैं कि 1970 तक चैटबॉट बन गए थे, बस वो आजकल की तरह एडवांस नहीं हुए थे। अगर हम चैटबॉट्स को छोड़कर नॉर्मल एआई में आए तो ईयर 1977 में स्टैनफोर्ड कार्ड नाम के रोवर ने चेयर से भरी रूम को 5 घंटे में पार कर लिया था, वो भी बिना किसी ह्यूमन नेविगेशन के। 5 घंटे सुनने में तो ज़्यादा लगते हैं, पर उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट था। ये रोवर तो ओरिजिनली जेम्स एल एडम्स ने 1960 में बनाया था, जिसका यूज नासा चांद में भेज कर करती, पर ये उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए और ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। फिर यह 1970 आते आते इस प्रोजेक्ट में 3 से 4 लोग काम कर चुके थे, पर उनमें से कोई भी इसमें मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए थे। फिर जब यह 1971 में हैंस मारवेस ने इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने कैमरा में स्लाइडर लगा दिए थे ताकि बेटर व्यू मिले, और बहुत सारे नए सेंसर भी लगा दिए ताकि नेविगेशन में आसानी हो। यह 1977 में रोवर ने 1 मीटर को 10 से 15 मिनट में पार कर लिया था। फिर यह 1979 में पूरा रूम पार कर लिया। इसी प्रोजेक्ट को आजकल के ऑटोमेटिक चलने वाले कार का न्यू मानते हैं। यह 1984 में साइक्रॉप कंपनी के फाउंडर डॉग्लास लेनर्ड ने सोचा कि अगर हम मशीन को ह्यूमन जैसे दिमाग देना चाहते हैं तो सबसे पहले मशीन को कॉमन सेंस देना पड़ेगा। फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। बस 10 साल के अंदर ही 1,00,000 कॉमन सेंस को कोड में कन्वर्ट कर लिया गया था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बस 2 साल बाद या 1986 में रोडनी ब्रूक्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क के लिए एक नया आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। इस आर्किटेक्चर में न्यूरॉन नेटवर्क्स लेयर में काम करते थे, जैसे कि बड़े काम अपर लेयर ऑफ नेटवर्क करते थे, छोटे काम लोअर नेटवर्क करते थे। पर इसमें प्रॉब्लम थी, वो थी कि इसमें हम कोई सभी फीचर आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। फिर 90s आते आते हेरोल्ड कोहेन के द्वारा बनाया गया एआई एरॉन लोगों की, पेड़ पौधों की और पत्थर जैसे चीज़ों का पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसको हम जनरेटिव एआई का स्टैटिक वर्जन बोल सकते हैं। फिर आता है यह 1991। उस टाइम में अमेरिका और इराक के बीच में गल्फ वार चल रहा था। इस टाइम में डार्ट एआई को डेवलप किया गया था, जो कि यूएस मिलिट्री के सप्लाई और टाइम को मैनेज करने लगा था। इस वार के टाइम में शिप्स इराक से बचने के लिए जीपीएस जैसे फीचर भी यूज में लाने लगे थे। इस वार में टेक्नोलॉजी ने यूएसए को वार जितवा दिया था। इस वार के बाद सबको टेक्नोलॉजी और एआई का पोटेंशियल पता चल गया था। वार के कुछ सालों बाद ही या 1997 में आईबीएम ने चेस प्लेइंग कंप्यूटर डीप ब्लू बना लिया था। इस कंप्यूटर को बहुत सारे ग्रैंड मास्टर की हेल्प से बनाया गया था। डीप ब्लू ने उस टाइम के चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था, पर बाद में गैरी ने बोला कि आईबीएम ने उसके साथ चीटिंग किया था, पर आईबीएम ने इस पर साफ इनकार कर दिया। फिर यह 1999 में सोनी ने अपना आईबो एक आर्टिफिशियल डॉग को जापान में लॉन्च किया था। महज 20 मिनट में 3,000 यूनिट बिक गए थे। ये रोबोट ओनर के साथ इंटरैक्ट और एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट भी करता था। इसका सेकेंड जनरेशन इससे कहीं ज़्यादा एडवांस था। ओनर को पहचान सकता था, वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकता था, रिकॉर्डिंग जैसे फीचर भी आए थे। आईबो के लॉन्च के केवल 1 साल के बाद ही होंडा ने अपना होमियोड रोबोट एस्मो को शोकेस किया था। ये रोबोट को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता था और वॉइस के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता था। साथ ही साथ ये मूविंग ऑब्जेक्ट को भी सेंस कर सकता था। ये रोबोट चल सकता था, दौड़ सकता था और साथ ही साथ सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता था। ये थोड़ा बहुत ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता था। ये उस टाइम का सबसे एडवांस रोबोट था। इसके 2 साल के बाद यह 2002 में आई रोबोट कंपनी ने रूम्बा नाम का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया था, जो खुद से ही फ्लोर को नेविगेट कर सकता था और किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर सकता था। ये अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकता था। आई रोबोट कंपनी की एआई सर्विस थी, जिसके होने से वैक्यूम क्लीनर दूसरे क्लीनर से भी सीख सकता था।
ये तो बात रही वैक्यूम क्लीनर का जो ऑटोमेटिक चलता था, पर इसके बस 2 सालों के बाद हमें ऑटोमेटिक चलने वाली कार्स भी देखने को मिला। ये कार्स ईयर 2004 में डापरा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के साइबर ग्रांड चैलेंज में देखने को मिले। इस चैलेंज में कार्स को 240 किलोमीटर तक ऑटोमेटिक चलना होता था, पर इस चैलेंज में कोई भी कार फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया था। पर इसके नेक्स्ट 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वोल्सवैगन कार ने 6.53 घंटे में ए रेस पूरा कर लिया था। फिर अगले 6 सालों तक एआई में छोटे मोटे एडवांसमेंट होते रहे। इसी बीच में गूगल ने अपने मैप्स और ट्रांसलेट जैसे भी ऐप लॉन्च करे थे। फिर ईयर 2011 में IBM ने वाटसन नाम का प्रोग्राम बनाया जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता था और जो क्वेश्चन पूछे जाए उसको अपने डाटाबेस से सर्च करके बता भी सकता था। वाटसन फेमस हुआ जब उसको जियो पार्टी में लाया गया और 2 वर्ल्ड चैंपियन के साथ खिलाया गया। ये गेम क्विज गेम था जिसमें बजर बजाकर आंसर देना होता था। वाटसन ने इस गेम में दोनों वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था और 1 मिलियन का इनाम भी जीता था जिसे बाद में चैरिटी में डोनेट कर दिया गया था। वाटसन को गेम के टाइम पर क्वेश्चन का आंसर अपने डाटाबेस में सर्च करने के बाद बजर भी दबाना होता था जो इसने बहुत अच्छे से किया। इसी साल एप्पल ने अपना वॉइस असिस्टेंट सीरी अपने iPhone 4S के साथ लॉन्च किया था। सीरी वॉइस कमांड के थ्रू एक्टिवेट हो जाता था और कुछ टास्क परफॉर्म भी कर सकता था। इसके बस 1 साल बाद 2012 में गूगल के एक लैब में न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया गया जो यूट्यूब की वीडियोस में से कैट और दूसरे ऑब्जेक्ट में डिफर बता सकता था। ये तो बस पार्ट था एक बड़े प्रोजेक्ट का जिसे बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में यूज किया गया। इसके बस 4 साल बाद 2016 में गूगल की एक लैब डीप माइंड ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कि बोर्ड गेम गो खेल सकता था, खेल नहीं सकता था बल्कि बहुत अच्छे से खेल सकता था। इतने अच्छे से खेल सकता था कि उस टाइम के टॉप गो प्लेयर्स को भी हरा दिया था। ये प्रोग्राम कंबाइंड न्यूरल नेटवर्क था जो कि अपने मिस्टेक से सीख सकता था। ये सुनने में तो हो सकता है आसान लगे पर गो गेम इतना आसान नहीं है। गो गेम खेलने के लिए क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी होना जरूरी है जो कि एक AI के लिए उतना आसान काम नहीं है। और सेम ईयर ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सोशल मीडिया चैट बॉट टे लॉन्च किया था जो कि अपने आप ही चीज़ें सीख सकती थी, पर टे को 24 घंटे के अंदर ही बंद करना पड़ गया था क्योंकि इसने ट्विटर में दूसरों लोगों से ऑफेंसिव बातें सीख के बहुत सारे ऑफेंसिव ट्वीट कर दिया था जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सामने आकर माफ़ी भी मांगी थी। टे एक 19 साल की लड़की की तरह सीख सकती थी जिसके 24 घंटों में 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर और 1 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट हो गए थे। ये प्रोजेक्ट तो फ्लॉप रहा था पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बहुत कुछ सीखा था। फिर आता है ईयर 2017, इस टाइम पे एंट्री होती है ओपन AI कंपनी का। इस कंपनी ने 2017 में अपना ओपन AI 5 लॉन्च किया था जो कि डोटा 2 गेम खेल सकता था और इसके टॉप प्लेयर को भी हरा सकता था। ये गेम आसान नहीं होता था। इस गेम को जीतने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, टीम वर्क और एक अच्छी प्लान की रिक्वायरमेंट होता था, पर OpenAI 5 ने ये सब कर दिखा दिया था। OpenAI 5 अपने आप भी खेल सकता था और अपने मिस्टेक से भी सीख सकता था, यहाँ तक कि वो दूसरे के मिस्टेक से भी सीख सकते थे। जहाँ एक तरफ OpenAI ने दुनिया को चौंका रखा था, वहीं भी Facebook ने दुनिया को डरा रखा था। Facebook ने Alice और Bob नाम के 2 चैटबॉट बनाए थे। Facebook ने दोनों को बैट बॉल जैसे चीज़ें दी थी बेचने को। फिर Facebook ने दोनों को एक दूसरे से ही बात करा दिया। ये उनके रिसर्च का पार्ट था। एक कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब ये दोनों बॉट्स एक दूसरे से अपने कोई सीक्रेट लैंग्वेज में बात करने लगे। ये सब देख के Facebook को रिसर्च बंद करना पड़ गया। अब एक कहानी आ गई है जिसका आप सब वेट कर रहे हैं, चैटबॉट के लॉन्च का, ईयर 2019। चैटबॉट 2 को डेवलप कर लिया गया था जो कि किसी क्वेश्चन का आंसर डाटाबेस से सर्च करके दे सकता था। फिर आता है 30 नवंबर 2022 जब OpenAI ने अपना चैटबॉट 3.5 लॉन्च किया। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। बस 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर हो गए थे। अभी GPT-4 भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि GPT-3.5 से फास्ट, लेटेस्ट और इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है जिसकी वजह से इसका आंसर बहुत अच्छे और बहुत फास्ट होते हैं। अभी तो GPT-4 के 100 मिलियन यूजर मंथली हैं। तो अब भी आपको लगता है कि AI आजकल की टेक्नोलॉजी है? सोचिए कि AI अभी क्या क्या कर सकती है जो कि नैरो AI का पार्ट है। AI को कैपेबिलिटी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नैरो,
जनरल और सुपर एआई। अभी हम नैरो एआई का यूज कर रहे हैं, तो सोचिए जनरल एआई और सुपर एआई क्या क्या कर पाएगा। जो जनरल एआई है वो ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस रखेगा, पर जो सुपर एआई है वो तो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगा। और ए टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एआई में मेजर अपग्रेड लास्ट 2 डेकेड में ही हुए हैं और अब तो डेवलपमेंट और भी फास्ट हो गए हैं। हमको जनरल एआई तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।